पूर्व प्रसिद्ध शिक्षक, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता दुष्यंत पुरी द्वारा लिखित लघु कथाओं और कहानियों का संग्रह संगत राष्ट्र का विमोचन हजरार अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी इस्लामिक अकादमी पूंछ के केंद्रीय हॉल में अंजुमनी कारवा ये अदब और हाकिया के प्रबंधन के सहयोग से एक सादे लेकिन बेहद प्रभावशाली समारोह में किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने इस अवसर पर कश्मीरी संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला। संवाददाता अमरजीत सिंह। चेयरमैन साहब, आज आपने यहाँ पर श्री दुष्यंत पुरी जी की बुक का इनॉग्रेशन किया है, इसके बारे में आप बताइए कि क्या प्लानिंग है? जी, आज हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी इस्लामिक इंटरनेशनल एकेडमी के झंडे तले हमने अंजुमन कारवान अदब का क़याम जो अमल में लाया है उसके ज़ेर इंतज़ाम वक्तन फ़वक्तन हमारे यहाँ अदबी अंजुमन और अदबी प्रोग्राम होते रहते हैं। क्योंकि दुष्यंत पुरी साहब ने संग तराश के नाम से उर्दू को फ़रोग देने के लिए एक ऐसी किताब मुरतब की है, जब हमें मालूम हुआ तो हमारी अंजुमन कारवान अदब ने उसकी रस्म इजरा की रूनुमाई के लिए आज की इस तकरीब का इनेकाद यहाँ किया। और हमारे पुंछ की जो रिवायत रही है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा, आज की ये तकरीब भी उसी का प्रतीक थी। क्योंकि हमें इस देश में प्रेम के साथ मोहब्बत के साथ रहना है, और मैं समाज के हर वर्ग के लोगों से ये अपील भी और विनती भी करूँगा कि प्रेम को जितना हम फैला सकते हैं उतना फैलाएँ, मोहब्बत के साथ जिएँ और एक दूसरे के दुख दर्द में भी काम आएँ। और जब भी कोई शख्स तरक्की और उन्नति के शीघ्र पे पहुंच रहा हो तो उसको आकाश की सीमाओं तक पहुंचाने के लिए सकारात्मक तरीके से सोसाइटी के और समाज के हर फर्द को उसका साथ निभाने के लिए और उसके कंधों को मजबूत करने की आवश्यकता और ज़रूरत है। आज की ये सभा भी उसी शक्ल में मुनाकिद की गई थी। सर, आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत मोहब्बत की है, एकता की है, अखंडता की है, और एक दूसरे के दिलों से भेद ख़त्म करके प्रेम और भाईचारे को आम करने की है। और आज की ये जो तकरीब थी, आपने देखा कि ये हर मजहब का गुलदस्ता था। ये सिर्फ अपने आप में एक मुख्तसर 20 से 25 अफराद की कोई मीटिंग नहीं थी, बल्कि पूरे पुंछ के लिए, पूरी रियासत के लिए और अपने देश के लिए एक बेहतरीन पैगाम था। बहुत खिलते नहीं जो वक्फे अजल होते हैं, ये और बात है कि वो तामीर ना हो। हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। माजरत के साथ, मैं कोई ताजमहल बनाने नहीं जा रहा हूँ। अपना तो यही काम है, जलाते रहे चिराग, रस्ते में किसी दोस्त या दुश्मन का घर मिले। हाल में मौजूद कुछ की मदद हस्तियों। आज आपकी त्वचा संतराश की जान मंजूर करने से पहले मैं ये बात आपके सामने खुशगुजार कर दूं कि आप तमाम साथी जो मेरे सामने यहाँ पर बैठे हैं, मेरे अजीजों का कुछ महान हस्तियां, मुख्तलिफ शोबा जात से ताल्लुक रखने वाले स्टार होल्डर्स ऑफ सोसाइटी, आपका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इल्म अदब के मैदान में आप एक कदावर शख्सियत के मालिक हैं। तहजीब व तमद्दन के आसमान पर आपका नाम एक दर्शनीय तारे की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहां तक मुझ जैसे नाचीज शख्सियत का ताल्लुक है, मैं तो ये कहूंगा कि इल्म आदम के मैदान में नहीं बल्कि समुद्र के पास पड़े हुए रेत का एक बहुत बड़ा अंबार, जिसमें उस रेत के जरे की हसीयत होती है, वही हसीयत मेरी है। कहानी लिखने का शौक तो बचपन से हर एक इंसान को होता है, कहानी सुनना और कहानी लिखना। लेकिन मेरे अंदर कहानी लिखने का शौक जो है कॉलेज के दौर से शुरू हुआ। यहाँ के बाद मैं आप सबके सामने गोश गुजार कर दूं कि मुझे उर्दू से बिल्कुल रगबत नहीं थी, मैं उर्दू जबान से बिल्कुल नाश्ना था। लेकिन क्रेडिट जो है वो सारा जाता है मेरे बेहतरीन साथी गुलाम साहब जाफरी को, मोहम्मद रजा रजवी को और कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर अजीत बख्शी को, जिन्होंने मेरी लोकपाल को संभाला और इस उर्दू जबान की तरफ मेरी तवज्जो मबजूल कराने की भरपूर कोशिश जो है वो की। दिल
और दौलत के नाम से शाया हुआ। हकीकत और अफसाने पर, ये अफसाना हकीकत और अफसाने पर मबनी था, लेकिन इसके चलते ही हमारे समाज पर एक इंकलाब रोनमा हो गया। गुरबत और अमीरी, अमीरी और गरीबी के दरमियान ये बहुत बड़ी जानी थी, लेकिन इसके शाया होते ही समाज में मैंने क्या कहा, मेरे खिलाफ एक इंकलाब जो है वो खड़ा हो गया। लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की, अपने कल्पना को जंजिश दे दी और लिखता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा। मेरी दूसरी कहानी जो है वो शाया हुई थी युग वही पर, कौन आजाद हुआ किसके चेहरे से स्याही छूटी, मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का, बादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही। ये पगड़ियां, ये चोरियां, सुबह कहां परोसियां, उनके सीना गोरियां, इधर खला है भूख का, उधर भरी है बोरियां, ना पेट में नवाला है ना तन पे एक तार है, खजा देंगे फिर किसे अगर यही बहार है। ये आजादी पर लिखा गया। करना भी एक थी प्रिय सज्जनों, और आज के इस शुभारंभ के मुख्य अतिथि श्रीमान दुष्यंत पुरी जी, हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी इस्लामी अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय में आपका आज सभा में हृदय से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दुष्यंत पुरी जी मेरे पिता के अध्यापक रहे हैं और पुंछ का इतिहास साक्षी है कि पुंछ में जिन जिन विद्यार्थियों ने आकाश की सीमाओं को छुआ, विद्यालय और शिक्षा के रूप में उनके पीछे जहां कई अध्यापकों की कुर्बानियां रही हैं, उनमें एक नाम हमारे दुष्यंत पुरी साहब का भी है। दुष्यंत पुरी जी, एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारा देश अनेकता में एकता का देश, प्रेम इसकी बुनियादों में कितनी भी कोशिश कर ली जाए, वो प्रेम जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे के रूप में आपको स्पष्ट तरीके से समाज के हर आंदोलन में प्रकट करता हुआ दर्शा रहा है, जब तक ये जगत और ये संसार मौजूद है आप देखेंगे कि भारत के अंदर ये प्रेम उसी तरीके से जिंदा रहेगा। आज आपकी पुस्तक का शुभ आरंभ और उद्घाटन हो रहा है, मैं अपने विद्यालय की ओर से आपके भविष्य की सकारात्मक कामना करता हूं। बाबर साहब ने मुझे जकड़ दिया है हिंदी में बोलने के लिए, एक दो बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा। हमारा विद्यालय भाईचारे का मेरी जाती कोशिश रही है कि हमेशा प्रतीक बना रहे, शक्ति विशांति विभक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में, और इस इदारे की बुनियादों हमने प्रेम का स्पष्ट पैगाम रखा है, और हमेशा कोशिश रहेगी के पुंछ का हर नागरिक जो सकारात्मक तरीके से अपने समाज को जोड़ने के लिए किसी भी तरीके की संस्था को देश हित में रहते हुए स्थापित करेगा, वो किसी भी समय अगर मुझे अपने प्रोग्राम को आयोजन करने के लिए इस विद्यालय का मंच मांगेगा, मैं रात के प्रति भी उसके लिए अपने मंच को संचालन करने के लिए तैयार हूं। आप जो यहाँ पधारे हुए हैं, आपके पीछे एक इतिहास है, आप सिर्फ अपने कुंबे और अपने आयाल के जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि अपने समाज के सरपरस्त हैं। मैं आपसे यही विनती और गुजारिश करूंगा कि प्रेम को फैलाइए, मोहब्बत को फैलाइए, क्योंकि न हिंदू सिर्फ मुसलमान बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी हर शख्स उर्दू बोलता है। जो खानदान है इंग्लिश इनके लिए खुदा की तरफ से, ये आईपीएस आईएएस ऑफिसर होने चाहिए थे, लेकिन मिडिल फैमिली से तंग रखते थे, लेकिन उन्होंने एजुकेशन को अपना
एजुकेशन को चुना। आज इनके हाथ से डॉक्टर इंजीनियर बने हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बने हैं, तो ये इनका पुंज को ये देन है। बाकी ये जो इनकी किताब आई है मार्केट में, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये पूरी स्टेट के लिए एक मैसेज है। और इसको जितना भी छाया कर सके, मेरी अपील है आपसे कि आप बड़ा दर्द दिल रखते हैं, आप बड़ी ऊंची सोच रखते हैं, इस किताब को हर जगह छाया किया जाए। अब बात यह है कि डॉक्टर अमजद साहब भी चले गए, शायद वो शुभ पांडे साहब भी चले गए, जरा ब्राह्मण में जरा बैठे हुए हैं, डॉक्टर सरफराज मीर साहब बैठे हुए हैं, यहाँ डॉक्टर अमजद साहब बैठे हुए हैं, लोग देना इनकी ये बात है। मैं डॉक्टर सरफराज साहब एक शुभ साहब सुनो, इनकी वो बात है कि असीदे गलत कर दी रहे निशांत पूरी बाजी नहीं। उर्दू के आप मास्टर है, उर्दू पर आपकी कमांड है, लेकिन बाजी कौन ले गया? निशांत पूरी। मैंने कहा अगर आपको फख्र है ना, आखिर में असीदे गलत कर दे रहे, डॉक्टर अमजद साहब बात करते रहे, डॉक्टर सरफराज साहब बात करते रहे, डॉक्टर इकमी साहब बात करते रहे, लेकिन बाजी एंड में निशांत पूरी है।